हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम ही है सिंपल, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ टर्म से। अच्छा, जैसे मान लो हम एक माउंटेन पे खड़े हैं, ठीक है, और माउंटेन की क्लिप से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर से जब पत्थर नीचे आ रहा है तो वो बाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। अब कोई भी एक एक्सिस के अलोंग मोशन करने का मतलब क्या है, मोशन अलोंग अ वन डायमेंशनल, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, मान लो ये माउंटेन की क्लिप है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, तो ये नीचे आएगा। अब नीचे आने का मतलब क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सर कनेक्शन क्या है, अभी कनेक्शन समझाएंगे। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। सर इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि एक टाइम पे जैसे ही पत्थर नीचे आएगा, जैसे ही ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है, कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टक से रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आई, पत्थर ऊपर से नीचे आया तो रेस्ट में आ जाएगा, वो अपने मोशन को रिपीट तो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब मोशन रिपीट नहीं कर रहा है तो ये कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और हम पढ़ने वाले क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया, आपने मोशन ऑफ अ पेंडुलम को देखा है, टिकर 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 बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। ठीक है, आपने वो हिप्नोटाइज करने वाला वो देखा है, गैजेट ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो गया, मोशन ऑफ अ, वो किसका एग्जांपल हो गया, सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, आपने ग्रैंडफादर क्लॉक देखा है, वो भी किसका एग्जांपल हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आपने वाइब्रेशनल स्प्रिंग को देखा है, जब स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, वो भी किसका एग्जांपल हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये सारे जो अभी मैंने कंडीशन बताई वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये वाली कंडीशन किसके लिए है, मोशन अलोंग अ वन डायमेंशनल। ठीक है, कोई वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, कंडीशन समझो, ऊपर से पत्थर नीचे आया, वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट तो करेगा नहीं, अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, रिपीटेड इट्स मोशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रिक्शन लाई करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब पेंडुलम के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांटेक्ट में थोड़ी ना है वहां पे। ठीक है, लेकिन जब स्प्रिंग को हमने एक ब्लॉक के साथ कांटेक्ट किया, ध्यान से सुनो, एक स्प्रिंग लिया और उसको एक ब्लॉक के साथ हमने क्या किया, कांटेक्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है वो सरफेस के साथ मोशन में है स्प्रिंग, तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, रेस्ट में आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा स्प्रिंग। अभी समझा रहे कैसे, इतना नोट करो फटाक से, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझो, देखो यहां पे हमने क्या किया, एक बॉडी ली यहां पे ऐसे, ये है ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने इस स्प्रिंग से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्लियर हो गया, ये तो रेस्ट में, ये रहा स्प्रिंग हमारा। अब जाहिर सी बात है इस ब्लॉक को पुल करेंगे, मतलब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। ठीक है, अब स्ट्रेच करेगा तो बिटवीन, स्ट्रेच कैसे करेगा, बिटवीन द मोर कंप्रेस रीजन टू लेस कंप्रेस रीजन। ठीक है, और स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही हम इसको पुल करने के बाद रिलीज कर देंगे, छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात छोड़ने के टाइम पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये स्प्रिंग है, ये आपस में कैसे होंगे, आपस में ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। अब पास आना, कोई चीज़ पास आ रही है तो कंप्रेशन, दूर जा रही है रेयरफेक्शन, मतलब मोस्ट कंप्रेस रीजन टू लेस कंप्रेस रीजन में ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा।
स्प्रिंग, इमेजिन करो, इमेजिन करो बच्चों, इमेजिन करो मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, एक स्प्रिंग को लिया मैंने ऐसे खींचा, खींचने के बाद ये क्या हो गया, जो मोर कंप्रेस रीजन कहाँ होगा, जब दोनों को पास पास लाएंगे तो ये कंप्रेशन हो गया, ये लेस कंप्रेशन हो गया। स्प्रिंग को मैं खींचूंगा तो लेस कंप्रेशन वाला रीजन आया, स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो मोर कंप्रेशन वाला रीजन आ गया। आई बात समझ में? तो ये वाइब्रेट करेगा बिटवीन लेस कंप्रेशन टू मोर कंप्रेशन के बीच में। इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ? एक मिनट रुकना बेटा। एज्यूम करो ये सरफेस ऑफ मोशन जो है वो फ्रिक्शन लेस है। अब फ्रिक्शन लेस होने का मतलब क्या है? ये जो ब्लॉक है अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को रीच करेगा। बात समझ में आई? बिटवीन द रीजन ऑफ मोर कंप्रेस टू लेस कंप्रेस। ठीक, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगी? इसके मिडिल ऑर्डर में। भाई जैसे ही ब्लॉक पास आएगा मोर कंप्रेस रीजन में क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हो गया? इन द मिडिल ऑफ द ब्लॉक इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। लिखो लिखो जल्दी लिखो, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन बिटवीन द रीजन ऑफ मोर कंप्रेस्ड मीन्स इन द मिडिल ऑर्डर। यहां तक समझ में आया? कोई तकलीफ? ठीक, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब मान लो मैं इसकी पोजिशन ऑफ ग्राफ को प्लॉट करूं, ठीक है? इफ बी ग्राफ अ पोजिशन ऑफ द ब्लॉक अगेंस्ट टाइम, ध्यान से सुनो, इफ बी ग्राफ अ पोजिशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट टाइम, तो ये जो साइनोसोडियल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, साइनोसोडियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और साइनोसोडियल फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, ठीक है? ये जो ब्लॉक है, ऐसे लिखो, इफ बी ग्राफ अ पोजिशन ऑफ ब्लॉक, लिखो इसमें मैं बोलता जा रहा हूं, लिखो इफ बी ग्राफ अ पोजिशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट टाइम, इट विल डिस्प्ले अ साइनोसोडियल फंक्शन, लिखो इट विल डिस्प्ले अ साइनोसोडियल फंक्शन जस्ट लाइक अ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन। क्लियर हो गया? अब इससे होगा क्या, जो ये ब्लॉक है, ठीक है, लगातार कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजिशन को रीच करने के लिए ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? अब कंडीशन समझो कि इफ एक्स इज जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? एक्स क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मोर कंप्रेस रीजन टू लेस कंप्रेस रीजन, ठीक है? ये जो दूरी बढ़ेगी, इस ये जो दूरी है, ये स्प्रिंग ज्यादा जा रहा है पास आ रहा है, दूर जा रहा है पास आ रहा है, ये क्या है? दूरी है, ये एक्स है। समझ में आया? अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या पे होगा? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। एक्स इक्वल टू जीरो कहां पे होगा? एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतना नोट करो फटाक से, जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट लो, यहां पे नोट हो गया। कोई तुमसे पूछे ये पीरियोडिक मोशन शो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ये क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है बिटवीन द रीजन ऑफ लेस कंप्रेस टू मोर कंप्रेस। समझ में आया? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या करेगा? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना नोट करो, करा नोट, ठीक है। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं, इसको रब कर दें, ठीक है, रब करें इसको। अब देखो, अब यहां पे एज्यूम करो बिफोर वी पुल द ब्लॉक, ठीक है, एज्यूम ऐसा करो कि हमने अभी तक ब्लॉक को खींचा नहीं है, फिर से बना रहे, अब यहां पे एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करने का मतलब सीधा ऐसा, फिर से मैं बना रहा हूं डायग्राम,
ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम ये करो कि अभी मैंने ब्लॉक को पुल नहीं किया है, अगर ब्लॉक को पुल नहीं किया तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन जीरो होगा तो ये ऑक्सीलेट करेगा बिटवीन द रीजन प्लस एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स के बीच में करेगा ऑक्सीलेट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस ब्लॉक पे मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, इसको पुल नहीं करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब जाहिर सी बात है ये ब्लॉक जो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट करने का मतलब है किस रीजन में करेगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच के रीजन में। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का काम सिर्फ इतना सा है कि जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ये कर रहा है इसको धीमी धीमी ये कम करता चला जाएगा और एक टाइम पे ये स्प्रिंग कैसा आ जाएगा, रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ? अच्छा, हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है, और इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू ऐसे लिखो, इट्स वैल्यू इज यूनिक फॉर एवरी स्प्रिंग। अब हर स्प्रिंग अलग अलग तरह का होता है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है हर स्प्रिंग के लिए कैसी होती है, यूनिक होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का के एक्स। अब माइनस का के एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज द डिस्टेंस, मैंने अभी बताया था आपको, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन मोर कंप्रेस्ड रीजन टू लेस कंप्रेस्ड रीजन। माइनस के यहां पे ये बता रहा है कि यहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। अब रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब काम क्या है, देखो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान से सुनो, जो माइनस के है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक के अपोजिट में जो लगेगा वो लगेगा स्प्रिंग फोर्स। इसीलिए इसको नेगेटिव साइन से हमने क्या किया है, इंडिकेट किया है। इतना समझ में आया, कोई तकलीफ? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा और। जाहिर सी बात है जैसे ही मैं इस ब्लॉक को स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, ब्लॉक है ये, इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, स्ट्रेच करने का मतलब खींच रहा हूं, तो ये पुल इन करेगा, ठीक है, स्प्रिंग कैसा होगा, अंदर आने की तरफ कोशिश करेगा, स्ट्रेच किया रिलीज किया तो स्प्रिंग कहां आएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूं, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, अब इस ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अब कंप्रेस करूंगा तो ये पुल, सॉरी पुश आउट करेगा। आई बात समझ में, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक को खींच रहा हूं पहले, ठीक है, खींचने का मतलब स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही रिलीज करेंगे ये ब्लॉक कहां आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब पुल इन करने की कोशिश करेगा स्प्रिंग। अब बाद में क्या किया, मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, मतलब पुश किया, सॉरी कंप्रेस किया, कंप्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, पुश आउट करेगा, कंप्रेस किया छोड़ दिया अपने आप, ये क्या किया, स्प्रिंग बाहर गया। अब स्प्रिंग यहां पे क्या कर रहा है, स्प्रिंग यहां पे लगातार इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करने की कोशिश कर रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करने का मतलब क्या है कि लगातार ये स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। आई बात समझ में, लगातार ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं या यूनिट निकालूं, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट निकालूं तो वो कितनी आएगी? अच्छा, अभी मैंने बताया था एफ बराबर क्या है, माइनस के एक्स, तो माइनस के किसके बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स के। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर, सॉरी माइनस के की स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस की यूनिट एक्स होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये पूछूं कि इस टाइम पे इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी,
अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहां पे, यहां पे लिख दूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बता चुका हूं, एक्स हमारा ये रहा, के आपको पता ही है, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम होगी जब ये स्प्रिंग, ठीक है, अपनी मैक्सिमम दूरी पे होगा, ठीक है। तो यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर x जीरो है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। अब जो ये फॉर्मूला आपने देखा है हाफ की एक्स स्क्वायर, ये कहीं सिमिलर सा लग रहा है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये बाद में बताएंगे ऐसा होता क्यों है। नोट ये रखना है कि x इक्वल टू अगर जीरो है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो मोशन ऑफ अ पेंडुलम होता है, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो मोशन ऑफ अ पेंडुलम होता है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने के टाइम पे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करता है रेदर देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखो, नोट डाल के लिखो, मोशन ऑफ अ पेंडुलम पजेजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोशन ऑफ अ पेंडुलम पजेसिस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेदर देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।